हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यदि आप स्टूडेंट्स ने यदि अपना रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है तो वो चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स एग्जाम डॉट ए सी डॉट इस। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो सेकंड राउंड रिजल्ट ऑनलाइन सीट फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेस फॉर अगस्त 2024 सेशन, आप जिससे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इन जिन स्टूडेंट्स को सीट मिला है उनको कोर्सेज के साथ वहाँ पे आपको कॉलेज लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए इन स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे इनका अलॉटमेंट लेटर है, यहाँ पे सब चीज़ दिखाई दिया है कि कितनी रैंक पे कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर वाइज यहाँ पे देख सकते हो जो आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो उस तरह से देख लेते हो आप कौन सा कॉलेज आपको मिला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एफ सी एन ए लिखा हुआ है। एफ सी एन ए का मतलब ये है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके आधार पर आपको वो कोर्सेस नहीं मिले, इसलिए आपको एफ सी एन ए लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। रिजल्ट चेकआउट करने के बाद यहाँ आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसके साथ ही साथ अपना सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सभी चीजें डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा और वहां पे इस सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या गया है, कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, वो एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करके तो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि कितना आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे एस सी एस टी सभी स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हो कि एस टी कैटेगरी के कितनी रैंक तक मिला है। ये आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है और इसमें इतने रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए 984 तक रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई है, ओबीसी के लिए 1164 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है, वहीं एससी की बात करें तो 3324 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 3174 अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1362 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और सीट अलॉटमेंट ऑफर लेटर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको सारी अपडेट देंगे जिससे कि आपको यहाँ पे पता लग जाए कि आगे किस तरह से एडमिशन लेना है और जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला है उनको ओपन राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसका अलग से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।